कहते हैं बॉलीवुड में काम मिलना तो आसान होता है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। इस इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत मुश्किल है। इंसान की जाने अनजाने में करी गई एक छोटी सी गलती उसका कैरियर तबाह और बर्बाद भी कर सकती है। ऐसा एक कलाकार के साथ नहीं, कई कलाकारों के साथ। कुछ कलाकारों ने तो अपनी गलती को सुधार लिया, अपने कैरियर को फिर से संवार लिया, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपना कैरियर फिर से नहीं बना पाए। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन नहीं बना पाए। आज मैं जिस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक अफवाह, एक छोटी सी गलती, न जाने क्या था जो उनके कैरियर को खा गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी की। हाय दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ। माँ बाप ने बड़े प्यार से इनका नाम रखा यास्मीन। यास्मीन जब बड़ी हुई तो इन्हें फिल्मों में काम करने का चस्का सा लग गया। एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और आ गई मुंबई। मुंबई आके जब संघर्ष किया तो बहुत जल्द इन्हें 2-3 फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। उसी में से एक फिल्म थी मेरा साथी। मेरा साथी में इनके साथ बड़े कलाकार थे, जितेंद्र, जयवर्धा, और इनके जो हीरो थे वो थे राजीव कपूर। शूटिंग के दौरान राजीव कपूर से इनकी नज़दीकें जब बढ़ी तो राजीव कपूर ने मंदाकिनी को अपने पिता राज कपूर से मिलवा दिया। राज कपूर साहब उस दिनों राजीव कपूर को हीरो लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, राम तेरी गंगा मैली। राज कपूर साहब ने जब मंदाकिनी को देखा तो उन्हें लगा कि राजीव कपूर के साथ मंदाकिनी एकदम फिट है, और राज कपूर ने तुरंत मंदाकिनी को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में साइन कर दिया। राज कपूर के मंदाकिनी को साइन करते ही मंदाकिनी का नाम बॉलीवुड में हर जुबां पे आ गया। फिल्म रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई और मंदाकिनी अपनी एक पहचान बनाने में सफल हो गई। मंदाकिनी ने उस समय एक समय में कई फिल्में साइन कर ली। हर दूसरी फिल्म में मंदाकिनी नजर आने लगी, लेकिन इसी दौरान मंदाकिनी का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच देख रही थी। बस यहीं से उनके करियर में ग्रहण सा लग, लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इनका दाऊद के साथ रिलेशन है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि मंदाकिनी ने गुपचुप दाऊद इब्राहिम से शादी कर ली है, इसलिए जितने भी मेकर थे उसमें से आधे भाग खड़े हुए, लोग मंदाकिनी से डरने लगे। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनके दाऊद के साथ संबंध है, लेकिन फिर भी लोग मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे। मंदाकिनी ने जब देखा कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं तो मंदाकिनी ने अपने कैरियर को फिर से संवारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कैरियर संवर नहीं पाया। मंदाकिनी इस बात को समझ गई थी कि अब शायद उनका कैरियर नहीं संवर पाएगा, इसलिए तुरंत मंदाकिनी ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शादी कर ली और फिल्म लाइन को अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, अफवाह हो यह छोटी सी खुद की गलती, इंसान का करियर जब बिखरना शुरू होता है दोबारा बन नहीं पाता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर को फिर से खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मंदाकिनी उनमें से नहीं थी। मंदाकिनी ने बहुत कोशिश करी अपने करियर को फिर से संवारने की, लेकिन मंदाकिनी अपने करियर को संवारने में कामयाब नहीं हो पाई। खैर जो भी हो, मंदाकिनी आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। कभी कभी सोशल मीडिया में इनकी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन बड़े पर्दे से वो बहुत दूर चले गए। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक किस्सा। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।